ये मेरी बेटी है मिनाल, यहाँ पे पढ़ती है इस्लामाबाद में। आजकल तो छुट्टियाँ भी हैं, उसकी वजह से स्कूल भी नहीं जाती। मैं इसको कहता हूँ थोड़ा वजन कम कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मिनाल। मिनाल, तो आजकल क्या करती हैं आप? फिर टीवी देखती रहे। टीवी देखती रहती हैं। टीवी पे क्या देखती हैं? कार्टून। कौन से वाले? कौन सा वाला कार्टून ज्यादा पसंद है? केसियन रिचर। अच्छा, और कौन सा उसमें करेक्टर कौन सा पसंद है? दोनों। कौन कौन सा है? केसी और रिचर। क्लास कौन सी में पढ़ती है? टू। पोइम्स कौन कौन सी आती हैं? सारी तो भूल गई हूँ। सारी भूल गई हूँ। सारी भूल गई हैं। गई हूँ स्कूल में पढ़ती थी। आजकल जो कार्टून देख रही है ना, मेरी टीचर भी आती है। बाबा आपके साथ खेलते हैं या नहीं खेलते? खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हमें लेके जाते हैं। घुमाने फिराने का शौक तो है ना। बाबा लेट आते हैं जल्दी आते हैं? लेट। बाबा से किस बात की ज्यादा फरमाइश करती हैं? दवाई। बाबा की सबसे अच्छी बात कौन सी है? सारी। बाबा पे गुस्सा किस वक्त आता है? मुझे तो नहीं आता। मामा को आता है? मुझे नहीं पता। नहीं पता। बाबा डांटते भी तो होंगे? नहीं डांटते। नहीं। बाबा आपसे ज्यादा प्यार करते हैं या छोटी बहन? दोनों से। किस से ज्यादा करते हैं? अनाया से। सेकंड आई थी पूरे वो अपने स्कूल के कंपटीशन में। सारे फर्स्ट आई थी। मिनिस्टर्स एनक्लेव से पार्लियामेंट हाउस जाने के लिए रवाना हुए। उस्मान बुज़दार साहब से आपकी दोस्ती कैसे हुई? मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना एक अच्छे इंसान को जो अपने पंजाब के लिए, अपने इलाके के लिए, और बेसिक तो वो बलोच है, तो एक बड़े हम्बल से, बड़े धीमे मिजाज वाले। लोग समझते हैं कि धीमे मिजाज वाले काम कम कर सकते हैं, काम में वो बहुत फिट है। उस्मान बुज़दार साहब की बतौर चीफ मिनिस्टर कारकर्दगी पर आप उनको क्या मशवरा देंगे? मैं अक्सर उनसे मीटिंग करता रहता हूँ। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया है कि पंजाब बहुत बड़ा एक सूबा भी है, और इंडस्ट्री के लिहाज से, ज़रात के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, तो हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और अगर हम अपने एग्रीकल्चर को और वहाँ के जो गाँव है उनको मॉडर्न विलेज का एक कॉन्सेप्ट दे दें और वो एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएँ, PIA में या हमारे पोस्टल इन सर्विस में, हम इसको कार्गो एयरलाइंस में लेके जाएं, तो हम पंजाब से बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गल्फ में हमें वेजिटेबल डेली चाहिए होता है, और उनकी उनकी अपनी प्रोडक्शन नहीं है। तो मेरा तो ये मशवरा है चीफ मिनिस्टर साहब को, बुज़दार साहब को, कि वो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा जोर दें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के साथ मिलकर पार्लियामेंट के बैरूनी अहाते में ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाया। चेयरमैन सेनेट ऑफिस में भी मिर्जा मोहम्मद आफरीदी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आप पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान लॉ लेकर आए, इससे पाकिस्तान को क्या मुआशी फायदा होगा? ये है GI लॉ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लॉ कहते हैं इसको। 70 साल से बने नहीं थे, 17 साल से वो फाइल दबी हुई थी, और मैंने कॉमर्स मिनिस्ट्री को कहा है कि मुझे मेड इन पाकिस्तान चाहिए, किसी हालत में ही चाहिए। जब तक मेड इन पाकिस्तान नहीं होगा, हमारे एक्सपोर्ट में तरक्की नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह वो कैबिनेट से पास हो गया। अब इसमें यह है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे बाहर जाएंगे, चाहे हमारे जो भी चावल भी है, कुछ भी है, तो वो मेड इन पाकिस्तान के नाम से जाएंगे। जब हमने लॉ पास किया तो हमारे पे यूरोपियन यूनियन में इंडिया ने केस कर दिया इसके ऊपर, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने 90 डेज के अंदर
वो अपोज कर दिया, पाकिस्तान के हक में हो गया है। अब इसमें ये होगा कि जितने भी कुछ बाहर जाएगा पाकिस्तान से बाहर, वो पाकिस्तान के नाम से ही जाएगा और उसको उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और उसमें मैंने ये भी ऐड किया कि मैपिंग कर दें उस पर, चाहे वो पंजाब का है, मुल्तान का है, जितने भी हमारे बिजनेस कम्यूनिटी है वो आएँ, इसमें अपने आप को रजिस्टर करें और मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। आपका ताल्लुक चूँकि बिजनेस कम्यूनिटी से है, तो पाकिस्तान में बिजनेस के फ़रोग के लिए आपकी क्या तजावीज़ है? अगर हमारे बिजनेस कम्युनिटी इस बात को फॉलो करें कि अपनी ही इंडस्ट्री में कॉपी पे ना जाए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि एक आदमी एक बिजनेस करता है तो 10 और भी वही इंडस्ट्री खोल देते हैं। नई इंडस्ट्री आनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहिए। और हमारे पास अभी मौका बहुत अच्छा है सी पैक की वजह से। चाइना के साथ हमारे ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत मेहनती हैं, उनसे उनकी टेक्नोलॉजी लेके आए। जॉइंट वेंचर होने चाहिए यहाँ पे छोटी स्किल के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी उससे। हमारे बहुत से ब्रांड्स टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स चाइना से, टर्की से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। आप ब्रांड्स को बहुत अच्छा समझते भी हैं, तो इसकी एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप क्या इकदाम तजवीज़ करते हैं? देखिए, ब्रांड्स तो खैर मैंने बहुत ब्रांड्स के साथ ख़ुद भी काम किया है, उसमें सबसे जो मैं नाम लूँगा वो मारिया भी है, और वो फैमिली फ्रेंड है हमारी। उसका भाई वासिफ, वो भी फैमिली फ्रेंड है। इमरान मरवत है उसके साथ, बहुत से ब्रांड है। अगर हम अपनी स्टिचिंग गारमेंट्स यूनिट्स यहाँ पे बढ़ाएं और उसको अच्छे स्टिचर लेके आएं, लेज़र कट हमारे यहाँ पे स्टिचिंग हो, थोड़े पैसे लगते हैं। बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और 2024 तक आपके अहदाफ क्या हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, मैं कोई ऐसे कानून साजी करूँ कि हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी ग्रीन क्लीनिंग ग्रीन का एक विजन है उनका, आज तो लोगों को नहीं पता कि दरख्त उगा रहे हैं इसका क्या फ़ायदा होगा, लेकिन जब जब बड़े होंगे तो आपका क्लाइमेट चेंज कहाँ आ रहा है। थैंक यू। ग्रुपिंग करें और जोमिंग करें कि कहाँ पे कौन सा फसल कितना अच्छा उग सकता है। मेरी मिनिस्टर जो है क्लाइमेट चेंज की, जरताज गुल साहिबा, उनसे इसके बारे में मीटिंग भी हो चुकी है कि ये आप इसके ऊपर रिसर्च करें ताकि हमारे एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट मिल सके। ये जलेबी वाला बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है। मुझे मीठा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी मिठास भी भर लूँ और मिठास भी मेड इन पाकिस्तान हो। हाँ, ज़ाहिर है, हमने पाकिस्तान की बनी हुई जलेबियाँ खाएंगे तो। फॉरनर आते हैं मेरे पास तो उनको मैं जलेबी खिलाता हूँ, बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि वो मिठाई तो आम जगह में मिलती है ना, लेकिन ये कम ही देखा होता उन लोगों ने। तो काफ़ी लोगों को मैं और मेरे सेनेटर हजरात जितने भी मेरे मेम्बर आते हैं कहते हैं डिप्टी साहब हमें जलेबी खिलाएँ, वाह, तो दफ्तर में अवेलेबल होती है। ख्वातीन के अगेंस्ट वॉयलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, शौहरों की तरफ से, ससुराल की तरफ से ख्वातीन को जलाए जाने के, मर्डर के वाकयात सामने आ रहे हैं, तो इनके खात्मे के लिए कोई ऐसा बिल सेनेट में लाया जा रहा है? मैंने ऑलरेडी बात की भी है। बेसिकली मेरा काम है एज अ डिप्टी चेयरमैन होल्ड करना, बिल पेश करना मेरे मेम्बर का काम है। जो मेरे मेम्बर्स हैं मैं उनको कहता हूँ कि ऐसी तरह कानून साजी हो कि ख्वातीन को उसकी प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा मिले पूरा। आज हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को वो हिस्सा नहीं देते। कर्ज तो माफ़ हो सकता है, हक माफ़ नहीं हो सकता, तो उसके लिए कानून साजी बहुत ज़रूरी है।